नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल इंडियन माइथोलॉजी पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय राशि के अनुसार। तो आइए जानते हैं। सभी देवताओं में भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो अपने भक्तों की पूजा पाठ से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। और यही कारण है कि असुर भी वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करते हैं और उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे राशि अनुसार शिव पूजन के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल का पूजन शिवलिंग के रूप में ही किया जाता है। इस राशि के लोग शिवलिंग पे कच्चा दूध और दही अर्पित करें, साथ ही भोलेनाथ को धतूरा भी अर्पित करें, कर्पूर जला के भगवान शिव की आरती करें। वृषभ राशि के लोग किसी भी शिव मंदिर में जाए और भगवान शिव को गन्ने के रस से स्नान करवाए, इसके बाद मोगरे का इत्र शिवलिंग पे अर्पित करें, अंत में भगवान को मिठाई का भोग लगाए एवं आरती करें। मिथुन राशि वाले लोगों को स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि स्फटिक का शिवलिंग उपलब्ध ना हो तो किसी अन्य शिवलिंग का पूजन भी किया जा सकता है। मिथुन राशि के लोग लाल गुलाब, कुमकुम, चंदन, इत्र आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें, आग के फूलों को अर्पित करें और मीठा भोग लगा के आरती करें। कर्क राशि वाले लोगों को अष्टगंध एवं चंदन से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। बेर एवं आटे से बनी रोटी का भोग लगा के शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पर प्रतिदिन कच्चा दूध अर्पित करें और साथ ही जल भी चढ़ाएं। सिंह राशि वाले लोगों को फलों के रस एवं पानी में शक्कर घोल के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिव जी को आंकड़े के पुष्प अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं, पुष्प के साथ ही बिल्व पत्र भी अर्पित करें। कन्या राशि वाले लोग महादेव को बेर, धतूरा, भांग और आंकड़े के फूल अर्पित करें, साथ ही बिल्व पत्र पे रख के नैवेद्य अर्पित करें, अंत में कर्पूर मिश्रित जल से अभिषेक करें। शिव जी के पूजन के बाद आदि परिक्रमा अवश्य करें, ऐसा करने पे बहुत ही जल्द शुभ फल प्राप्त होगा। तुला राशि के लोग जल में तरह तरह के फूल डाल के उस जल से शिव जी का अभिषेक करें, इसके बाद बिल्व पत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन आदि से भोलेनाथ को अर्पित करें, अंत में आरती करें। वृश्चिक राशि वाले लोगों को शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शहद और घी से स्नान कराने के पश्चात पुनः जल से स्नान कराएं एवं पूजा और आरती करें। लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, पूजन के बाद मसूर की दाल का दान करें। धनु राशि वाले लोग भात यानी चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें, पहले चावल को पका लें, इसके बाद पके हुए चावल को ठंडा करके शिवलिंग का श्रृंगार करें, सूखे मेवे का भोग लगाएं, बिल्व पत्र, गुलाब आदि अर्पित करके आरती करें। मकर राशि वाले लोगों को गेहूं से शिवलिंग को ढक के विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन और आरती पूर्ण होने के बाद गेहूं का दान जरूरतमंद लोगों को करना चाहिए। इस उपाय से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो सकती है। कुंभ राशि वाले लोगों को ये उपाय करना चाहिए कि सफेद और काले तिल को मिला के किसी भी ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाए जो एकांत स्थान में स्थित हो। जल में तिल डाल के शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराए, इसके बाद काले और सफेद तिल को अर्पित करें, पूजन के बाद आरती करें। मीन राशि वाले लोगों को रात में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इस समय ओम नमः शिवाय का 35 बार उच्चारण कर बिल्व पत्र चढ़ाए तथा आरती करें। शिवलिंग पे चने की दाल चढ़ाए और पूजन के बाद इसका दान कर दे। तो दोस्तों, ये थे उपाय महादेव को प्रसन्न करने के। अगर आपको ऐसी ही कोई और जानकारी जाननी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक